तो गाइज हम लोग आए हैं ताज विवांता और यहाँ पे हमने करा है अपने लिए बूफे पैक। तो हम लोग यहाँ पे नहीं खा रहे क्योंकि माँ नहीं आई है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं 5-स्टार होटल की कैसी पैकिंग रहेगी और कैसा खाना रहेगा, वो मैं आपको खा के रिव्यू करके बताऊंगी। ये बहुत ज़्यादा भारी है सच में, मैं पता नहीं कैसे लेके जाऊँगी। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ और पूरी गाड़ी में ना खाने की खुशबू हो रही है और रहा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। पीछे खाना रखा है और खुशबू 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 और भूख का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना, बहुत ज्यादा। बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। और तो गाइस जो मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूंगी, इसकी पैकेजिंग बहुत सस्टेनेबल की गई है, तो देखने में काफी प्रीमियम लग रहा है इसकी पैकेजिंग और लग रहा है कहीं अच्छी जगह से आया है। यहाँ पे एक इसकी स्ट्रिप लगी हुई है, यहाँ पे इसके ब्रांड्स लिखे हुए हैं, ताज, विवांता, जिंजर, ये सारे इसके ब्रांड्स लिखे हुए हैं। और तीन बॉक्स में हमें ये दिया गया है, एक ये है और एक ये है और यहाँ पे एक इस पैकेट में दिया गया है। तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग खोलते हैं। चलो गाइस अब फटाफट से इसको मैं अनबॉक्स कर देती हूँ क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। आप देख रहे होंगे मेरी हालत कैसी हो रही है, बहुत ज्यादा मुंह में पानी आ रहा है। तो ये मैंने खोला है, वो माय गॉड, वेज और नॉन वेज में कोई भी फर्क नहीं था, मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं लगे तो इसलिए हमने नॉन वेज बुक करा है। तो यहाँ पे जो है हमारे लिए ये है फिश लग गया, फिश है, वाओ। तो ये कुछ मुझे मीठे में ब्रेड रबड़ी टाइप कुछ है और सच में बहुत टेस्टी है यार। इतने पैसे दिए यार, 2000 रुपये टेस्टी नहीं होएगा क्या? तो ये है चिकन टिक्का लग रहा है मेरे को और बहुत टेस्टी सच में, मतलब बहुत टेस्टी है। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे दिए ज़्यादा इसलिए, लेकिन सच में बहुत टेस्टी है। 5-स्टार का खाना है, टेस्टी होएगा। तो ये है रायता, रायता भी बहुत अच्छा है सच में, एकदम बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा। और ये है सैलेड, सैलेड तो क्या ही टेस्ट करूँगी, बहुत अच्छे जैसा दिख रहा है, ग्रीन सैलेड है एकदम। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड बॉक्स की तरफ, इसको भी फटाफट से खोलते हैं और इसको मैं इधर रख देती हूँ। भाई ऐसा लग रहा है टेबल छोटी पड़ने वाली है आज मेरी, वाओ इसमें तो बहुत कुछ है। तो ये ऊपर ही मेरे को मशरूम दिख गई, तो ये मशरूम की सब्जी है और वाओ बहुत टेस्टी है। और ये मैं टेस्ट करके बताती हूँ, आई थिंक ये चिकन है, चिकन भी बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ ना टाइम वेस्ट करते हुए। और ये मटन है, मटन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये दाल मखनी है, मैंने सारा चम्मच एक में ही कर दिया है सब कुछ, कोई यहाँ पे वेजिटेरियन नहीं है। दाल मखनी भी बहुत टेस्टी है। और वाओ गाइस ये गुलाब जामुन छोटे छोटे बहुत टेस्टी होने वाले हैं। और इसमें क्या है, ये हमें हरी चटनी दी है, वाह। और ये हमारी फेवरेट है, ये सिरके वाली प्याज, इससे खाना और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड उसमें क्या है, इसको अच्छे से मैं साइड में रख देती हूँ, भाई बहुत महंगा खाना है, थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जल्दी खोलती हूँ, इसमें पक्का बिरयानी है, चिकन बिरयानी है यार, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इसमें हमें ये पापड़ दिए हैं, दिखाते हैं, प्रॉपर क्रंच है। और इसमें हमारे रोटी दी है, तो इसमें हमारी ब्रेड से अलग अलग तरीके की, पूरी नहीं खोल के दिखाऊंगी क्योंकि ठंडी हो जाएगी। इसमें ये ऐसी थी और एक है ये डिफरेंट टाइप की, इसमें ये हमारा रोटी है और वो मिस्सी पराठा है, ठीक है। तो ये था हमारा ताज विवांता का पूरा बुफे जो मैंने आपके साथ शेयर करा है, आपको टेस्ट करके बताया, बहुत टेस्टी है खाने में। अब मैं इसको फटाफट से अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है। तो मिलते हैं, बाय बाय।